गाइस वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री की क्लास, एनिमल हस्बेंड्री की फर्स्ट क्लास। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है, सो ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रही हूँ। तो एनिमल हस्बेंड्री की फर्स्ट क्लास है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी मिस मत करना, डेली हमारे लेक्चर को ज्वाइन करें। सो आज हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड स्टोमक क्या होते हैं। आपको पता है एनिमल्स में क्या होते हैं? कंपाउंड स्टोमक होते हैं। हमारे अंदर तो एक ही पेट होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर कंपाउंड स्टोमक्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड स्टोमक कितने होते हैं? वो भी चार पार्ट होते हैं उनके भी। कितने पार्ट होते हैं? चार। तो पहले बोलेंगे फर्स्ट स्टोमक, ये बोलेंगे ना। तो फर्स्ट स्टोमक किसको बोलते हैं? रूमेन को कहते हैं। देन सेकंड स्टोमक किसको कहते हैं? तो जो सेकंड स्टोमक होता है वो क्या होता है? रेटिकुलम, रेटिकुलम। और जो थर्ड स्टोमक होता है वो क्या होता है? ओमेगम, ओमेगम। और जो फोर्थ स्टोमक होता है जो कि हमारे अंदर भी होता है, वही जो कि काफ के अंदर होता है, बछड़े के अंदर, उसको बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है। तो ये इतने स्टोमक होते हैं, एबोमेजम होता है, एबोमेजम, सॉरी एबोमेजम, ठीक है। तो ये जो रूमेन होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, पहली बार। दूसरा जो रेटिकुलम होता है, इससे एक और नाम होता है हनी कॉम्ब, इसको क्या बोलते हैं? इसको हनी कॉम्ब कहते हैं, मतलब कि बिल्कुल एक छत्ते की तरह रहता है, छानने का काम करता है। अगर गाय भैंस ने कोई प्लास्टिक खा ली है तो ये छान देगा उसको और बाहर रेक्टम से निकाल देगा। ओमेजम का भी एक नाम होता है मैनी प्लस, मैनी इसका नाम होता है, और इसको ट्रू स्टोमक कहते हैं। ये आपको इस पहले नचिन समझ में नहीं आ रही होगी, मैं उसको लिख देती हूँ। एब ओमेगम, इसका नाम है ओमेगम और इसका नाम है एब ओमेगम, और इसको ही कहते हैं ट्रू स्टोमक, सत्ता ना सकता, यही काफ के अंदर होता है, ठीक है। तो ये स्टोमक होते हैं, कंपाउंड स्टोमक बोलते हैं एनिमल्स में, और आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्टोमक्स होते हैं, इनके अदर अदर नेम्स होते हैं, और ये सबसे बड़ा होता है और ये छोटा होता है, और इसमें पानी बनता है, 90% एब्जॉर्प्शन होता है, ये छानने का काम करता है, ये स्टोमक्स होते हैं। एक बात याद रखनी है आपको, ये जो कैमल एनिमल होता है, कैमल, इसमें से थ्री, इसमें चार स्टोमक नहीं होते, इसमें से थ्री स्टोमक ही होते हैं, एक मिसिंग होता है, वो कौन सा होता है? एक स्टोमक मिसिंग होता है। तो मिसिंग स्टोमक कौन सा होता है? ओमेगम, ओमेगम, ओमेगम मिसिंग होता है। तो कैमल में और लैम्बा में, कैमल में और लैम्बा में दो ऐसे एनिमल हैं जिसमें ये स्टोमक, सिर्फ तीन स्टोमक होते हैं, ओमेगम मिसिंग होता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा ये। तो दो दो टॉपिक लेके चल रही हूँ मैं अभी, एक टॉपिक और पढ़ाऊंगी आपको इस क्लास में। मैंने एग्रीकल्चर में भी आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे और एनिमल हस्बेंड्री में भी मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेरिक नेम। हम बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट की है तो बेसिक भी आएगा पेपर में। तो जेनेरिक नेम क्या? जेनेरिक एनिमल्स के नेम, जेनेरिक नेम्स ऑफ एनिमल। तो जेनेरिक नेम्स ऑफ एनिमल, पहले हम यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिख लेते हैं। कैटल, सेकंड क्या है? बफेलो। थर्ड क्या है? गॉट। फोर्थ क्या है? वो शीप है। जिसको भी डाउट आए बीच में वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकता है कि हमें इस बात पे डाउट है, और जिसको भी जिस टॉपिक में समझ नहीं आता वो बोल सकता है कि इस पर ट्रिक वाली वीडियो बनाओ, मैं जरूर बनाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बस समझ में आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी तो मेरी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी हेल्प करो, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट ही हूँ, कोई मैं टीचर नहीं हूँ, और मेरा इंटरव्यू मैंने दे
दे दिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई सी भी बात आप शेयर कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो ये 8 एनिमल्स के नेम है, इनका जेनरिक नेम क्या होता है? बहुत बार बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जेनरिक नेम पूछ लेते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। बहुत से लोगों को इनके जेनरिक नेम याद नहीं होते हैं, पर बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप याद करो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। जैसे कि कैटल मतलब गाय, तो गाय को बॉस कहते हैं, बॉस ये हुकम कई का बॉस, ये लाखों में बिकता बॉस। अब लाखों में बिकता बॉस, तो गाय का दूध, चाहे गाय का घी हो चाहे गाय का दूध हो, बहुत ही महंगा बिकता है, लाखों में बिकता है बॉस, क्योंकि वो बॉस है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गाय को क्या बोलेंगे, बॉस, ठीक है। बफेलो को बोलते हैं तो बफेलो को बोलते हैं बुवेलस। तो बफेलो का तो सिंपल ही नाम है, बफेलो है तो बुवेलस, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। बस गाय को बॉस बना देना है कि बॉस ये लाखों में बिकता बॉस। अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो गाना आता होगा आपको, गॉट गॉट मतलब बकरी होती है, तो बकरी क्या करती है, मैं, तो मैं का मतलब मैं, अब वो बोलती है मैं, तो मैं मतलब आई, तो वो बोलती है मैं फर्स्ट आई हूँ क्लास में, तो कोई भी फर्स्ट आता है तो उसको कैप पहना दिया जाता है, तो वो कैप है ना, तो बकरी को क्या बोलते हैं, कैपरा बोलते हैं। तो बकरी का पैसे आप कर सकते हैं कि बकरी मैं लगती रहती है, तो हमने उसको क्या पहना दिया, कैप पहना दिया, तो सीधी सी बात है कि जो बकरी है वो मैं करती है, तो हमने उसको क्या पहना दिया। फिर बात आती है शीप, शीप मतलब भेड़, तो जो भेड़ होता है उसको बोलते हैं रैम, क्या कहते हैं उसको, रैम कहते हैं, लेकिन रैम बोलते हैं मेल को और फीमेल को यू बोलते हैं। यहाँ पे बात चल रही है उनके जेनरिक नेम की, तो शीप का होता है ओविस, हाँ तो शीप को बोलते हैं ओविस। ओविस कैसे बोल सकते हैं, अब भेड़ जो हमारा शीप होता है उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है ना, तो हमें भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, तो जब हमें भेड़ से ऊन प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा ऊन देता है, तो हम उसको बोलते हैं ओ बस कर यार बहुत होता। पिग की बात करें तो पिग, पिग मतलब सुअर, तो उसको बोलते हैं पिग। पिग को अपन सुअर बोलते ना तो सस लिख देना जनरिक नेम। और कैमल की बात करें तो कैमल को कैमलस ही कहते हैं, कैमल को क्या बोलते हैं, कैमलस। के बाद बात आती है घोड़े की और एस की, मतलब घोड़ा और गधा, तो घोड़ा और गधा को एक्वेस कहते हैं। पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, तो पोल्ट्री को बोलते हैं गैलस। याद करने का तरीका है, पोल्ट्री मतलब मुर्गियां, तो गैलस आपने देखा होगा मुर्गियां ऐसे रास्ते में खड़ी रहती है, तो गैलस ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो गाइस, और अगर चाहो तो नीचे ह्यूमन भी लिख सकते हो, कि ह्यूमन का जेनरिक नेम क्या होता है, होमो, ये तो सबको ही पता होगा। सो गाइस, मैंने दो टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, और एनिमल में मैं चाहती हूँ कि एक और पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि छोटी क्लास हुई है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और ले लेते हैं एनिमल का, उनके मेट नेम, नेम ऑफ एनिमल मेट, एनिमल के मीट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनिमल की मीट को क्या कहते हैं, तो कैटल, ठीक है गाइस। अब आप देखिए कि जो कैटल होती है, तो जो गाय का मांस होता है उसको क्या कहते हैं, तो गाय को हमने बॉस बनाया था ना, तो गाय के मांस को बोलते हैं बीफ, क्या बोलते हैं बीफ, फर्क क्या है, उधर बॉस बोला था यहाँ पे बीफ बोल दिया, ठीक है, तो गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, और भैंस के मांस को बफेलो है ना, तो बुफन बोलते हैं, बफन ये बोलते हैं भैंस के मांस को, क्या बोलते हैं, बफन बोलते हैं, ठीक है। गोट के मांस को क्या बोलते हैं, बकरी, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, चीवोन, और भेड़, जो भेड़ होता है उसके मांस को बोलते हैं मटन, यस राइट। और जो पोल्ट्री होती है मुर्गी, ये तो पता ही होगा, चिकन बोलते हैं,
काफ, काफ के मांस को व्हील बोलते हैं, व्हील। पिग, पिग के मांस क्या बोलते हैं पता है किसी को? पिग के मांस को पोर्क कहते हैं, और एक होता है बैगन। अगर नमकीन वाला मांस बोल दे कोई, साल्टेड मिल्क, साल्ट वाला मांस, तो ये बैकन लगाना। ऑप्शन में अगर दे दे कुछ ना दे तो आप डायरेक्ट पोर्क बोल सकते हो, लेकिन अगर बोल दे कि सुअर का, पिग का नमकीन वाला मांस, तो बैकन लगाना। ठीक है, तो ये मांस के नाम थे, ये भी क्वेश्चन में आता है, इम्पोर्टेंट है एमबीबीएटी में, ऑलवेज ऑलवेज 100% कमिंग क्वेश्चन आएगा ही ये क्वेश्चन। तो भैंस का बहुत बार आया है, और ये पोल्ट्री का भी आया कई बार, और ये पिग का, पिग का ये सॉल्ट मिल्क, ये पूछ लेते हैं कि नमकीन वाला मांस किसे बोलते हैं, तो बैकॉन को बोलते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान रखिए, कोई सा भी पूछ सकता है इस बार भी, है ना। तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आज मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, और कल क्लास में मैं 3 करके आपको पूरे एनिमल हस्बेंड्री लगभग 30 में पूरा करवा दूंगी, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, जिससे आपका प्रैक्टिस सेशन भी अच्छा होगा, बायो में कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, और DCMB में भी हेल्प करूंगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, कुछ ज़्यादा बड़े इशू नहीं, छोटे छोटे टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ, और हो सकता है ट्रिक से ही पढ़ा देती हूँ, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.